गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सिमरनजीत कौर, थोड़े मैथ टीचर। अज आप इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करांगे। ठीक है, लास्ट वीडियो के विच मैं 3.1 सॉल्व की हुई है। तुसी नीचे डिस्क्रिप्शन चो लिंक चक के उतो बाकी दी वीडियोज में देख सकते हो। ठीक है, तो 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन की है अपने को, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। डायग्राम बने हुए हैं, तुसी उन्हें डायग्राम के विचों एक्स की वैल्यू मैनू फाइंड करके देना। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट डायग्राम की है बच्चे, पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लें। एक अपने को ट्राइंगल बनी हुई है। ठीक है, ये ट्राइंगल का इधरले एंगल की वैल्यू कितनी है अपने को एक्स, इधर बार एंगल की वैल्यू कितनी है 125, इधर एंगल की वैल्यू कितनी है 125। जेकर तुसी ध्यान ना देखो कि इस डायग्राम के अंदर जिहड़ी आपां नूं ट्राइंगल दिती आ, उस ट्राइंगल के बाहरले दो एंगल तो तुहानूं दिते आ, पर तुहानूं थर्ड एंगल आ वो एक्स आ उहनूं फाइंड करन नूं बोलता। तो हुण तुहानूं एक कंसैप्ट याद होगा, तुहानूं मैं पहले दिन इंट्रोडक्शन च दस्सिया कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑल एक्सटरनल या एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है जी, कि जेकर कोई भी पॉलीगन आ उस पॉलीगन के बाहरले सारे एंगल सम के बराबर होंगे अपने को 360 डिग्री। ठीक है, यदा मतलब 125 + 125 + x इज इक्वल टू कि आ गया 360, दोनों प्लस करके कि बनया 250 + 250 है, दूसरी साइड जाकर हो जूगा माइनस का 360 चो 250 माइनस कितने कि आ गया अपने को 110। तो अपने को एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110। देखो ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन सी। हूँ आज आप करते हैं पार्ट सेकंड। ठीक है जी, ओदा डायग्राम देख लेने की बनी हुई है। वैसे तो अपने को पेंटागन की शेप बनी हुई है। ठीक है, जेकर तुम उस पेंटागन के अंदरले एंगलों का देखोगे तो सम कुछ होर होगा, पर किसी भी पॉलीगन के बाहरले एंगलों का सम हमेशा की रहा वा 360। तो इतने भी कंसैप्ट सेम रहेगा। ठीक है जी, इतने आ वैल्यू दिती हुई आप 60 डिग्री, इतने वैल्यू आप पता नहीं, तो इधर आप वैल्यू दिती हुई है 70 डिग्री। ठीक है, हम जिन्हें तुम सबनों पता वा भी जिथे भी बॉक्स बनया हों वा उत्थे एंगल कि हों 90 डिग्री, यानी कि इस पोजिशन के उत्ते मेरे को एंगल कि वा 90 डिग्री, पर ये अंदर आपू इत बारला पता एंगल कि वा एक्स, इतने बारला एंगल पता वा 70, इतने बारला एंगल पता वा 90, इतने बारला एंगल पता वा 60, पर इतने आपू बारला एंगल नहीं पता। हूँ ना तो तुम एक्स की वैल्यू पता आ, ना ही तुम ए वैल्यू पता आ। ठीक है, पहला तो यदि वैल्यू पता कर दे, वैल्यू पता करने इनू आप नेम दे दें एंगल 1। ठीक है जी, क्योंकि तुम्हें पता भी जो एक स्ट्रेट लाइन होंगी है तो कोई लाइन उन्होंने कट करके जाए वो आले दुआले दोनों एंगलों का सम हमेशा कि बराबर होंगे 180 डिग्री। किने दसा सानू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी ने। ठीक है, तो सब तो पहला एंगल 1 + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतने असं की लगा रहे हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, प्लस का 90 उधर कदा हो जूगा माइनस का, तो 180 चो 90 के कि आ गया अपने को 90, यानी कि तुम इधरले बारले एंगल की वैल्यू पता लग गई भी कि अपने को 90। हुण तुहानूं बाहरला एंगल पता लग गया, हुण असीं इत्थे लगा लैंदे आ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ठीक है जी, तो सारे एंगलों नूं सम कर दिंदे आ, एंगल 90 + 60 + 90 + 70 + x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सबनों प्लस करोंगे 90 60 150 90 240 7 310, प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, प्लस का 310 दूसरी साइड से आके माइनस हो जूगा 360 तो 310 माइनस किया कि आ गया अपने को 50 डिग्री। तो सैकेंड सम का आंसर आ गया अपने को 50 डिग्री। ठीक है, हूँ असी चैक करते हैं क्वेश्चन नंबर सैकेंड। क्वेश्चन नंबर सैकेंड की है उसे अपने को स्टेटमेंट ध्यान रीड कर लें। स्टेटमेंट अपने को फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, कहिंदा तुहानूं एक रेगुलर पॉलीगन दिती हुई है, मतलब जिहदे सारे एंगल भी सेम होणगे, जिहदियां सारियां साइड भी सेम होणगियां।
ठीक है। तुसी उहदे इस रेगुलर पॉलीगन का बाहर वाला एंगल पता करना वा, तो तुहानू असीं हिंट दे तौर ते दस दिंदे हां वी कोई नंबर ऑफ साइड किन्नियां ने 9, ठीक है। हुण तुहानू मैं इहदी इंट्रोडक्शन अंदर फॉर्मूला दस्सिया होया सी वी जेकर तुहानू नंबर ऑफ साइड पता होण, तुहानू टोटल एंगल पता होवे, तां तुसीं इक सीवियर एंगल फाइंड कर सकदे हो, ठीक है। तो आप की देखते हैं, सामने एक दी हुई है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड मतलब तुम एन की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 9, ठीक है। एक तुम टोटल एंगल पता है, तो टोटल एंगल की होंगे वा किसी भी बाहरले पॉलीगन के एंगलों का, यह भी पता होना 360 डिग्री, ठीक है। तो लिख दें सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, भी बाहरले एंगलों का सम कि बराबर होंगे अपने को 360 डिग्री, ठीक है। पता की करने चाहते हैं असं एक्सटीरियर एंगल, तो ईच एक्सटीरियर एंगल पता करने लिए फॉर्मूला की ला देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड, ठीक है। टोटल एंगल आप कि 360, नंबर ऑफ साइड कि 9, कटिंग कर दें 40 डिग्री, यानी कि जिहड़ी भी रेगुलर पॉलीगन आदि बाहरले एंगल कि 40 डिग्री, तो हर एक बारला एंगल कि होगा 40 डिग्री। इस तरह यह सैकेंड पार्ट आ, उस सैकेंड पार्ट के अंदर अपन नंबर ऑफ साइड्स कि 15, ठीक है। तो ये अंदर भी सेम कंसैप्ट, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सारे एंगलों का सम किया कि आ गया 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल पता करना वा, एक्सटीरियर एंगल पता करने की फॉर्मूला ला देंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड, तो टोटल एंगल कि 360, नंबर ऑफ साइड कि 15, कटिंग कर दें जब तुम यदि कटिंग करोगे तो कि आजगा 24 डिग्री, तो इस एक्सटीरियर एंगल के सारे की वैल्यू कि हो जूगी अपने को 24 डिग्री, ठीक है। क्लीयर आ, नैक्सट क्वेश्चन नैक्सट वीडियो के अंदर, चैनल लाइक शेयर तो सबसक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।